आगरमालवा में प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संघ ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और आरटीआई की राशि की मांग की। संघ और स्कूल संचालकों का कहना है कि भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया था। शिक्षा मंत्री ने 7 दिवस में राशि ट्रांसफर करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 20 दिन बाद भी राशि नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर संघ के जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने की चेतावनी दी। प्रांतीय शासकीय शिक्षण संस्था संघ द्वारा विगत 21 दिसंबर को भोपाल में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि 7 दिवस के अंदर सभी 2018-19 और 19-20 की पूरी आरटीआई की राशि विद्यालयों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। परंतु आज 20 दिन होने के बाद भी 19-20 तो दूर, 16-17, 17-18 और 18-19 की राशि विद्यालयों के खातों में नहीं पहुंची है। ये शासन की एक प्रकार से वादा खिलाफी है और सभी अशासकीय स्कूलों के साथ विश्वासघात है। तो निश्चित रूप से विद्यालय संचालक आगे कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी कार्रवाई जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे हमें करने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी बारे में माननीय जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने हेतु हम लोग यहाँ पर आए थे कि आप हमारी राशि को तत्काल भोपाल से यहाँ पर बुलवाने का प्रयास।